भोपाल में उन्मुक्त गगन एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी ने दीपोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर से आए युवा कवियों ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। उन्मुक्त गगन एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी ने उन्मुक्त दीपोत्सव कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में युवा कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। देश प्रेम से ओतप्रोत और समाज से जुड़ी समस्याओं की कविताओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं मोहब्बत और प्यार की कविताओं का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर समाज और राजनीति पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके कवि। कई मुद्दों पर युवा कवियों ने सबका ध्यान खींचा। मंच का संचालन युवा कवि आनंद कुमार ने किया। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है। जनना मीन्स जनरेट करना है ना, जन्म देना। तो वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो जन सकती है। मनु जैसे आरंभ को, अश्वत्थामा से अंत को, रावण जैसे वंश को और अत्याचारमय कंस को, मर्यादा के नाम को, पुरुषोत्तम श्री राम को, बांसुरी की तान को और योगेश्वर भगवान को। वाह, बहुत अच्छा। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती। मुझे अंदर से ये गम खा रहा है, तेरे नजदीक कोई आ रहा है, यहाँ सब जैसे मुझ पर हंस रहे हैं, यहाँ सब जैसे मुझ पर हंस रहे हैं, बुरा है पर मजा भी यार। नहीं पाती हूँ ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से, ये परखने के सिलसिले खत्म हो अगर इस जमाने से, तो स्त्री और पुरुष के भेद से उभर कर मैं खुद को एक इंसान कहना चाहती हूँ। मैं जो हूँ वो मैं होना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इस मौके पर दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय ने कहा कि इन कवियों में से कुछ आने वाले समय में हमें राष्ट्रीय स्तर पर नजर आएंगे। इन कवियों में वो प्रतिभा है जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। कि मैं नाम नहीं लूंगा, कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन 5 कवि यहाँ ऐसे हैं जिन्हें हम भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। 5 कवि ऐसे हैं और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा मेरे नाम से कि हम उन्हें बहुत बड़े कवि के रूप में, बड़े पटल पर, बड़े कवि सम्मेलनों में, बड़े मुशायरों में हम इन यहाँ बैठे लोगों में से 5 लोगों को देखा करेंगे और कहेंगे कि इनको हमने भोपाल में बैठ के सुना है, ये हमारे बीच के हैं, ये हमारे प्रदेश के हैं, ये हमारे साथी हैं। तीसरी बात, जब व्यंग की बात हुई यहाँ, महबूबाओं से लेके और सिस्टम तक किसी को नहीं छोड़ा गया। ऊंचाइयों की बात हुई, गिरने की बात हुई, प्यार की बात हुई, मोहब्बत की बात हुई, इतनी बातें हो गई तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। जब आप 5 लोग बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं तो पैर ज़मीन पर रखिएगा। कि चंदन जैसे गीत गाकर क्या किया, चंदन जैसे गीत गाकर क्या किया, नाग और सांपों को पाकर क्या किया, बुलंदियों की छत पर भी अकेले टहलते रहे तो फिर इतना ऊपर आकर क्या किया। कवि सम्मेलन के आयोजक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कवि सम्मेलन का उद्देश्य नए और उभरते हुए कवियों को मौका देना है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमने कार्यक्रम किया है, जो कि आयोजित किया है हमने कलम कला कलाकार के थ्रू, और छोटे स्तर से स्टार्ट किया है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और नए कवियों को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारी ये पहली शुरुआत है उन्मुक्त गगन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, ये हमने आयोजित किया है। सर, ये कार्यक्रम जो था इसका आयोजन हमने उन्मुक्त दीपोत्सव जो महोत्सव हो रहा है उसके अंतर्गत करवाया है। अर्चना मैम ने हमें मौका दिया, कलम कला ने हमें मौका दिया। कलम कला कलाकार फाउंडेशन है, K3 प्रोडक्शन, जिसके तहत ये था कि नए कलाकारों को कवि सम्मेलनों का माहौल दिया जाए। होता ये है कि लोग आजकल ओपन माइक के जो कहना चाहिए पोएट्री के लिए जो ख़राब चीज़ है ओपन माइक, उसमें जाते जा रहे हैं। तो ये था कि नए लोगों के लिए भी कवि सम्मेलन आयोजित हो सकता है। तो कलम कला का यही उद्देश्य था कि नए लोगों को कवि सम्मेलन का माहौल मिले, ना कि ये हुल्लड़पन मिले। तो वही एक उद्देश्य था जिसकी वजह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।